मम्मी अब मुकर चुके हैं, पहले कह रहे थे कि भाई मैं फ्लैट होना चाहिए यहाँ पे। जब मैंने मम्मी को पूछा अब कल शाम को जो एक्सपीरियंस है मम्मी फ्लैट, मम्मी कहते नहीं, अगर मतलब मम्मी का इरादा अगर हो तो ऐसे सड़क के किनारे ऐसे सीधा ना चढ़ना पड़े, वो नहीं हो सकता। सवा आठ हो गए हैं और हम लोग बाहर से सामान वगैरह ले आए हैं खाने पीने के लिए, बनाने के लिए। पहले पियेंगे चाय। ये देखो चाय उबल रही है। बाकी हमने सामान समून सारा कर लिया था सेट। ये हमारी पिकनिक बास्केट, इसमें हमारे पास खुद के भी सिलेंडर हैं, हम लोग छोटा स्टोव भी लेके आए थे, वो सब कुछ है, पैन वगैरह खाने पीने का सब कुछ जुगाड़ है। इधर ये प्रिया रात का डिनर का तैयारी कर रही है। इधर ही हमने सब तड़का तड़का काट के रख दिया। ऐसे लग रहा है कि एक फ्लैट से हम दूसरे फ्लैट में आ गए हैं, बट अच्छा व्यूज का डिफरेंस है, मतलब मस्त वाला है यहाँ पे। मतलब मैं मम्मी को कह रही थी, मैं मम्मी एक फ्लैट होना चाहिए यहाँ पे। ये मेन डोर है घर का, ये पूरा वाईफाई वगैरह सेटअप सुटअप लग रखा है एकदम मस्त। और ये पूरी किचन देखो मस्त बनी हुई है, इतनी बड़ी किचन है ये, चिमनी वगैरह गैस सब कुछ है। और ये देखो मैं दिखा रहा हूँ, देखो पूरा कटलरी वगैरह भी सब कुछ दे रखा है। ये डिशेस वगैरह भी हैं यहाँ पे, कितने सुंदर देखो, वाइट एकदम फ्रेश। ये बाकी ये चकला बेलना कप ग्लास सब कुछ है। और ये बड़े बर्तन भी हैं, इधर भी पड़े कुकर वगैरह भी है, ये कढ़ाइयाँ सब। आप दूध दूध उबाल बूल के सब, मतलब मस्त आप दो तीन दिन रह सकते हो, एंजॉय कर सकते हो एकदम मज़ेदार। और ये हमने देखो चावल चुवल ले लिए थे, बनाना ले लिए थोड़े, चावल ले के अपना भी रात को बनाएंगे चावल। और ये फ्रिज भी है देखो, मैंने दूध वगैरह ला के रख दिया हमने, ये मसाला सोडा भी पड़ा हुआ है हमारा। डिनर तो आप ही बनाओगे यार, कुक तो मेन शेफ तो आप ही हो, या पापा को बोलते हैं पापा से बनवाते हैं आज, है ना, जो बंदा यार नहीं उसको बताते हैं। हाँ वही है। ये देखो गीजर, ये आरओ, क्या क्या बताऊँ यार मैं, जबरदस्त फ्लैट है एकदम मज़ेदार वाला। ये एक बेडरूम है, ये और इधर देखो ये पाउडर रूम है, ये अलमीरा वार्डरोब, क्या मज़ेदार अलमीरा बनी है या मस्त एकदम। और ये देखो भाई वॉशरूम दिखाता हूँ, ये देखो क्या क्या सर्चिंग क्या चल रही है। रबड़े डाली थी मैंने, डाल दी थी नहीं इसी दिन डाली होगी, इसमें डाली लगता मैंने, इसमें डाली नहीं, इसमें या किसी एक चीज में डाली हमने, अब ये याद भी नहीं है हमने तो हमने डाली कहाँ। चलो चिमनी ऑन कर देते हैं। नहीं नहीं मेरे को कुछ नहीं आता है, मैं मुकर गया। ये आज अभी बादल क्लियर हैं, मस्त वाला व्यू हो रखा है। ऑल दो थोड़ी गर्मी है, ह्यूमिडिटी सी है क्योंकि बारिश का मौसम हो रखा है। और ये देखो ये पाइन ट्री है बीच में ही बड़ी मस्त सी जगह पे। और ये बालकनी है पूरी खुली डुली बैठने के लिए, एकदम मस्त व्यू है ज़बरदस्त। और अभी हम रेडी हैं बिल्कुल, और 10-15 मिनट में चेकआउट कर रहे हैं, निकल रहे हैं।
बाकी प्रॉपर्टी तो मैंने आपको दिखा ही दी थी सब कुछ। वो सामने अगर आपने बड़ोग हाइट्स होटल सुना है तो वो है बिल्कुल टॉप पे, तो हम भी उसके लेवल पे ही हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, इधर से ये व्यू हो गया, इधर से ये व्यू हो गया, तो ये एकदम मज़ेदार बना हुआ है। चलते हैं बाहर, करेंगे ब्रेकफास्ट। अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया हमने, सिर्फ चाय पी है। और चलते हैं यहाँ से और फिर देखते हैं आगे क्या क्या और है अभी देखने को, और शाम को पहुँचेंगे चंडीगढ़। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं, सामान उठाते हैं सारा और चलते हैं। होटल से निकलने वाली, होटल बोल रहा हूँ मतलब फ्लैट से निकलने वाली जो चढ़ाई है ना वो खतरनाक है, बाकी सब तो ठीक है। ये रास्ता भी मेरे राइट साइड में जो जा रहा है ये जाता है नीचे बड़ोग स्टेशन को, बट अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि लोने को तो लो जाओगे गोगे कैसे और फिर ऊपर आना बड़ा मुश्किल है यार, बहुत ज़्यादा चढ़ाई है स्टीप ना, और फिर मुश्किल हो जाएगी। और कोई रास्ता है नहीं शायद बड़ोग स्टेशन जाने का, यही है। और अगर आप इधर को आओ तो आप ज़रूर जाओ, इन्जॉय करने वाली जगह मस्त, पर टाइम लेके जाओ, ऐसे जल्दबाजी में मत जाओ नहीं तो फिर थकने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। नारकंडा फिर नारकंडा फिर थोड़े थोड़े लेवल बढ़ाएंगे सही बात है, चितकुल जाएंगे ना जब, फिर लेके चलेंगे मम्मी को ना, थोड़ा ट्रेलर तो मिल ही जाएगा फिर। चितकुल अपने आप में बड़ा टफ है वैसे, हम तो कुछ भी खा लेंगे सनम तुम अपना देखो कहते चाहे तुम घूमने जहाँ मर्जी चले जाओ, हिमाचल जाओ, जहाँ मर्जी जाओ, खाना हमने पराठा ही है प्रिया ऐसे लग रहा है अभी एक ही दिन नहीं खाया, ऐसे घर पे भी हमको डेली पराठे थोड़ी खाते, पर बाहर आए तो पराठा खाना है। रास्ता नहीं है तो यही लगा के चले जाएंगे, देखो कैफे है ना मस्त वाला। अब क्यों नहीं देखा जगह है, नहीं नहीं साइड पे जगह नहीं है ना लगाने के लिए, किचन वो लिखा यू टर्न है 20 meters अहेड। आई डाउट कि यहाँ पे पराठा होगा या नहीं, होएगा नहीं होएगा तो कुछ और खा लेंगे, तो हम लंच कर लेंगे सीधा। वेज थाली भी है यहाँ पे,
भुक्कड़ नंबर वन मेरे को कह रहे वीडियो बना और खुद खाने को जोर दिया हुआ है। एक रिकॉर्ड हो रहा है। क्या रिकॉर्ड हो रहा है? तंदूरी आलू प्याज का पराठा खाया और साथ में पी चाय, जबरदस्त। मतलब मेरी लाइफ का तो मुझे लगता है पहला एक्सपीरियंस ऐसा होगा कि हमने कहीं पे रुके और बहुत अच्छा सा खाना खाया है ना। अदरवाइज हमारे साथ हमेशा ऐसा होता है कि कहीं और ही रुक जाते हैं। और ये है किचन किंग, ये सोलन से आई थिंक 2-3 किलोमीटर बाहर आओगे शिमला वाली साइड को तो पड़ता है ये किचन किंग। और मस्त है यार, रेस्टोरेंट भी अच्छा है और खाना बड़ा मस्त है, स्पेशली पराठे। हमने तो सिर्फ पराठे खाए हैं, बाकी का तो पता नहीं, पर अच्छा है। कभी आओ, कभी खाने का मूड हो तो रुक जाओ। लो जी, फाइनली हम लोग आ गए हैं नीचे, ये मोहन हेरिटेज पार्क। सुंदर और गाड़ियां भी हैं, ठीक ठाक लोग हैं भाई, काफी है। अभी हम लोग अंदर से मंदिर देख के आ गए हैं बाहर, और अंदर से ज़बरदस्त बना हुआ है मंदिर, और वहाँ पे वीडियोग्राफी वगैरह थोड़ी अलाउड नहीं है तो इसलिए हमने अंदर का कुछ बनाया नहीं, बाकी बाहर तो यार ज़बरदस्त है। और मौसम, ये थोड़ा मॉनसून शुरू हो गई ना तो ग्रीन है एकदम, और ग्रीनरी बड़ी मस्त लग रही है। इधर वाले व्यूज़ देखो ज़बरदस्त हो रखे हैं, और इस टाइम तो लोग भी काफ़ी हैं, वो मज़ेदार है। इस तरफ देखते हैं एक बार क्या है, वो सामने ऊपर शिव जी पार्वती जी की मूर्ति है, वहाँ पे आप जा सकते हो। स्टेयर्स बनी हुई है, स्टेयर्स बनी हुई है, हिम्मत की बात है। लग तो अच्छा रहा है। यार घूमते फिरते फोटोज खींच रहे थे और अभी बारिश स्टार्ट हो गई है मजेदार वाली, तो थोड़ी देर खड़ते हैं, करते हैं इंजॉय, उसके बाद निकलेंगे। बादल ऐसे हो रखे हैं ना कि ये अभी बारिश आएगी और अभी हट जाएगी। अभी तो जस्ट शुरू हुई है और जिस स्पीड से लग पड़ी है ना बारिश, हमारे पास छाता भी यहाँ पे एक ही है, गाड़ी में छोड़ दिया छाता। क्या फायदा है ऐसे छाते का, वेदर तो अच्छा हो ही है। जबरदस्त वाली बारिश होने लगी है, आधा घंटा हो गया मैं वेट करते हुए, बारिश बंद हो गई और लोग निकले मेंढकों की तरह फटाफट निकल गए सब। बारिश और ऐसे मतलब आधे पौने घंटे बाद तो एकदम से बंद हो गई ऐसे, और हमें करीब 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 30-40 मिनट हो गए हैं वेट करते हुए, पर बारिश हुई ताबड़तोड़ बारिश हुई है। और हम सोच रहे थे नीचे खड्ड में जाएंगे, अब कैंसिल हो गया, अब नहीं जाएंगे क्योंकि रास्ता कच्चा होएगा तो फिर गाड़ी में प्रॉब्लम हो जाएगी। पर ऐसे वाली बारिश मेला लग गया है पार्किंग, बहुत सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे।
पहले कम थे अब तो डबल हो गए। चलो जी लाहौरी सोडा हमने पी लिया कि कश्मीरी है ये? ये कश्मीरी है ये कश्मीरी सोडा है, मज़ेदार चीज़ है ये भी, बड़ा टेस्टी है। चलो मौसम मज़ेदार हो गया है, अब यहाँ से हम वापस निकल रहे हैं और अब बस घर ही जाएंगे और रास्ते में देखते हैं अच्छे अच्छे व्यूज़ और फिर निकलते हैं घर, धीरे धीरे पहुँचते हैं। मज़ेदार था ये एक्सपीरियंस, अगर आप इधर को हो तो ज़रूर देखो, बहुत अच्छी जगह है। एक अच्छी चीज़ ये हुई कि जैसे हमने सारा देख के फोटोज वीडियोस बना के खत्म हुआ ना, बस निकलने वाले थे पर तभी बारिश हो गई, पर चलो कोई थोड़ी देर वेट किया बट हमारा काम हो गया। पर बारिश में मजा तो आया मतलब, पर ये बारिश की वजह से इतनी ग्रीनरी और इतना मजेदार मौसम हो रखा है। ये तो होना ही था बारिश में, क्या ये सब जाम ये बारिश की वजह से नहीं है तो वैसे भी रोड थोड़ी टाइट है ना, गलत जगह पर और कोई बड़ी गाड़ी आ गई है तो फिर वो हो ही जाता थोड़ा। और प्रॉब्लम क्या है ना लोगों की कि लोग वेट भी नहीं करते, फिर रोकते भी नहीं है सही जगह पे, बाहर कोई ना चढ़ाई आ रहा फिर एंड में जब फंस जाते हैं फिर देखते हैं एक दूसरे के मुँह की तरफ, इसीलिए लोकल बंदे ना परेशान रहते हैं इनसे, लेन वालों से, इनको सच्ची ही नहीं पता चलता कई बार कि कहाँ रोकना। अभी ट्रैफिक से ऊपर निकल आए थे और ये मक्की खाने के लिए रुके थे, भुट्टा ये दिखाता हूँ कहाँ से आए हम लोग नीचे से, ये गाड़ियाँ देखो क्या मस्त लग रही लाइन से, ये ना जबरदस्त व्यू और क्या मस्त वाले व्यूज़ हैं यार, मज़ा आ रहा है ज़बरदस्त। और बारिश ना बिल्कुल ही थोड़ी थोड़ी हो रही है, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी और एकदम मज़ेदार है। लो भी कालका शिमला ट्रेन भी दिखती है, मैं ज़बरदस्त चलो सारी सवारी बैठ जाओ मस्त सीन आया इधर ये वाला। समझे कुछ? हाँ समझ गया, मैं समझ ला लिया, मैं साहब मैं कल्ला ही हां, तीन जने एक पासे नहीं, मैं तो कोई नहीं, मुझे तो पता ही नहीं, माता डिप्लोमेटिक खेल गई पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स कौन किसकी तरफ है वो अभी कुछ क्लियर है नहीं है मम्मी मम्मी अब मुकर चुके हैं, पहले कह रहे थे कि भाई मैं फ्लैट होना चाहिए यहाँ पे, जब मैंने मम्मी को पूछा अब कल शाम को जो एक्सपीरियंस है मम्मी फ्लैट, मम्मी कहते नहीं, अगर मतलब मम्मी का इरादा अगर हो तो ऐसे सड़क के किनारे ऐसे सीधा ना चढ़ना पड़े वो नहीं हो सकता सब ऑक्यूपाइड है वो सब ऑक्यूपाइड है, मम्मी तो पलट चुकी है अब आप बताओ मम्मी क्या खाओगे, आप कॉफी पियोगे या मैगी खाओगे, हमारे पास दोनों ही चीजें हैं, दूध तो लेते हैं यार, कॉफी कॉफी बनाएंगे, अब से बिना कॉफी के हमारा कोई ट्रिप नहीं होगा, कॉफी तो बनाएंगे बनाएंगे, दूध ले लेना यार, यही मिल जाएगा।
मेरे को लग रहा है आप सुन हो गए हो, तभी चुपचाप कुछ बोल नहीं रहे तब से। आप आंखें खोल के सो लियो एक बार। अब पापा को गाड़ी दो, हम दोनों पीछे बैठेंगे फिर। मम्मी पापा आगे, क्या कहते हो पापा? पापा ने जिस हिसाब से बाजू रखी है टोकरी पे, मेरे को लगता है पापा आ गए। ये छोड़ना नहीं चाह रहे गाड़ी और पापा चलाना नहीं चाह रहे हैं। आप थोड़ी देर बोलो, मेरे को नींद आ रही है। पर ये व्यूज तो आगे बैठ के ही दिख रहे हैं। चलो जी, अभी हमें एक जगह मिल गई है। काफ़ी नीचे आ गए हम लोग यार, तो सोलन से भी बहुत नीचे, धर्मपुर से भी नीचे आ गए, तो गर्मी हो गई है थोड़ी। बट ये मेन रोड से थोड़ा सा अंदर आके हमें जगह मिल गई और हमने गाड़ी लगा दी साइड पे। अभी देखते हैं, अगर सिर्फ कॉफ़ी पीनी तो कॉफ़ी बनाएंगे, अगर मैगी खाने का मन किया तो मैगी भी बनाएंगे। बस यहीं पर अभी सड़क पर ही करते हैं सब इंतज़ाम और बनाते हैं कॉफ़ी और पीते हैं। मम्मी आप एक काम करो, उधर ना बीच में खड़े जाओ सड़क के, मम्मी मम्मी की परेशानी, मम्मी की परेशानी सिर्फ इतनी कि हमें कोई नहीं देख रहा कि हम कॉफी पी रहे हैं। चलो जी, मैगी कैंसिल कर दी हमने और सिर्फ कॉफी पी रहे हैं बस। चलो कॉफी करते हैं एंजॉय। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली और अच्छी अच्छी वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं, और उसके लिए घंटी के आइकन जरूर दबा देना। तो चलो, तब तक के लिए चीयर्स एंड बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।